अगर हमने 15 मिनट में 20 मिनट में एक न्यूज़पेपर खरना खत्म करना स्टार्ट किया तो हम एक घंटे के अंदर 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ के खत्म कर सके. अंदर यू विल से कि एक न्यूज़पेपर क्या 3-4 ले आओ मैं फटाफट निपटा दूंगा या निपटा दूंगी. पकड़ के तो कोई भी दे देगा. हम मछली पकड़ना सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, है ना. मछली तो मिल जाएगी, मछली इन द सेंस के जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो तो मिल जाएंगे तुम्हें कहीं से भी. हेडिंग भी मत पढ़ो, पॉलिटिकल शक्ल से ठीक है. शिंदे उद्धव ठीक है. ये हमारा कल का न्यूज़पेपर है ठीक है, संडे. इसमें एडिटोरियल्स नहीं होते, लेकिन हमारी क्लास मंडे को थी तो संडे का ही न्यूज़पेपर. मुझे लगा बहुत पुराना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. अब हम इसके अंदर कैसे पढ़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट न्यूज. अभी आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, ये मैं मान के चल रही हूँ, है ना. यू आर नॉट हैविंग एनी ओरिएंटेशन और बैकग्राउंड ऑफ न्यूज़पेपर. पहली खबर है द बंगाल SEC मूव्स सुप्रीम कोर्ट. SEC मतलब सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर्स टू यूज सेंट्रल फोर्सेस. सिर्फ हेडिंग पढ़ के आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जर्मिनेट होने चाहिए या क्वेश्चंस आने चाहिए. ये SEC क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन. स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्या समझ में आता है, कोई ऐसी स्टेट की एजेंसी है जो इलेक्शंस करवाती है, कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशन टाइप की कोई चीज है. तो जैसे ही हमने पता किया कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन कुछ होता है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या नेशनल इलेक्शन कमीशन भी कुछ होता है या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी कुछ होता है. आना चाहिए नहीं आना चाहिए, है ना. ठीक है, अब ये अब जो हमारा ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये करता क्या है. नेक्स्ट इज, अरे भाई ये क्या खुल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये करता क्या है, कुछ तो काम होगा. किसके इलेक्शंस करवाता है, स्टेट के करवाता है या पंचायत के करवाता है. डाउट भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका नाम है, ऐसा लग रहा है जैसे स्टेट के करवाता है, लेकिन स्टेट के तो नेशन करवाएगा ना, मतलब सेंट्रल करवाएगी ना गवर्नमेंट. तो ये किसके करवाता होगा, लोकल बॉडीज के, जैसे कि पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अभी हम कयास लगा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, है ना. हम सब कयास लगा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग चलना चाहिए, इसका इंजन रन करना चाहिए. ठीक है, तो अब क्या हो गया, बंगाल के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया कि भाई आपने, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब पॉलिटिकल है. हम उसको कैसे रीड करेंगे, वर्टिकली बहुत तेजी से, क्योंकि उसके अंदर हमारे काम की बात निकलेगी नहीं है. हमें शुरुआत में सब कुछ पढ़ोगे क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये विजडम डेवलप होगी कि जो भी पॉलिटिकल न्यूज है वो हमारे काम की नहीं है, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स आर ए पॉलिटिकल. एक्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, वाई पार्टी की गवर्नमेंट आए, जेड पार्टी की गवर्नमेंट आए, ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं होते. ब्यूरोक्रेट्स हमेशा सेम रहते हैं और उन्हें किसी की भी बनाई हुई पॉलिसीज को वैसे ही शिद्दत से इंप्लीमेंट करना होता है. इसीलिए पॉलिटिकल न्यूज करंटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. क्या लड़ाई चल रही है, क्यों बंगाल ने ऐसा किया, नॉट इंपॉर्टेंट. स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जैसे प्रिलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. क्या आ सकता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, स्टैटिक में जब पॉलिटी पढ़ेंगे. अभी हमने पॉलिटी नहीं पढ़ी लेकिन हम सर्च कर सकते हैं, बगल में फोन है हमारे पास, इतनी रैंडम चीजें सर्च करते हो तो न्यूज़पेपर के समय पर हम तुरंत सर्च कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन. और हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की एलिजिबिलिटी क्या होती है. कौन लगता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, कौन लगाता है, आर्टिकल के किस कॉन्स्टिट्यूट, किस आर्टिकल से कवर होता है, आर्टिकल 243. और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का एक होता है क्या आर्टिकल, या अलग अलग होते हैं. अभी स्टैटिक नहीं पढ़ा है इसीलिए ये सब बड़ा अलग अलग लग रहा है, बड़ा भारी भारी लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी बातें बोल रही है मैम. लेकिन जैसे जैसे हम स्टैटिक कवर करते जाएंगे करंट बेहतर समझ होता जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से तो बन रहा है ना,
चाहे वो मेंस है चाहे प्रीलिम्स है। ओके इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई सेंट्रल फोर्सेस, तो बेसिकली हुआ यूं कि भाई ममता बनर्जी की जो ये सरकार थी वेस्ट बंगाल की, इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कमीशन से पंचायत के इलेक्शन वगैरह घोषित करवाए, बहुत सारे लोग वॉयलेंस में मारे गए। इसकी खबर लेने के लिए सेंटर ने बोला कि भाई हम यहाँ पर अपने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर देंगे देखने के लिए कि भाई वॉयलेंस ना हो। लेकिन स्टेट के अंदर अगर सेंट्रल फोर्सेस आएंगी तो स्टेट की ऑटोनॉमी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, है ना? ऐसे समझो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, है ना? तुमने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया या जो भी करा, तुरंत दादाजी आए, कहते नहीं 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 ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं यहीं पे बैठूंगा देखने के लिए, तो तुम्हारी ऑटोनॉमी थोड़ी कम हो गई, तुम चाहोगे क्या बैठे? सेम, वो भी नहीं चाह रहे के बैठे। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये सेंट्रल फोर्सेस क्या है, सेंट्रल फोर्सेस कौन सी है? भाई पुलिस तो स्टेट के अंदर होती है, पुलिस तो स्टेट के अंदर होती है ना, तो फिर ये सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती है? सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ? गूगल चल जाएगा, चलाना। देखो मछली पकड़ के तो कोई भी दे देगा, हम मछली पकड़ना सिखा रही हूं मैं तुम्हें, है ना? मछली तो मिल ही जाएगी, मछली इन द सेंस के जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो तो मिल ही जाएंगे तुम्हें कहीं से भी, है ना? सब ये भी बोल देंगे कि न्यूज़पेपर की वीडियो देख लो एनालिसिस की, फाइन, लेकिन जब तक अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक वो डेप्थ नहीं आएगी नॉलेज में। अब हम अगर सर्च करें कितनी है सेंट्रल फोर्सेस, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी एंड एसएसपी, कितनी है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलो विकिपीडिया लिंक भी खोल के देख लेते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दीज आर टेक्निकली पैरा मिलिट्री फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस भी हैं ये? पैरा मिलिट्री, मिलिट्री नहीं है, पैरा मिलिट्री नोन एज। उसके बाद किस लिए यूज होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड गार्डिंग दी बॉर्डर्स। फर्दर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स। फर्स्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं, वो भी सेंट्रल फोर्सेज है, जैसे बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी एंड सशस्त्र सीमा बल। दूसरी कौन सी है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, देश के अंदर कुछ वॉयलेंस हो रही है, कुछ हो रहा है उसको रोकने के लिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। एंड वन इज स्पेशल टास्क फोर्स, एनएसजी। अब इतनी इंफॉर्मेशन में हम लोगों को मुझे लगता है 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, लेकिन हमें यह पता चल गया कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होती क्या है। अब इसी से मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना दूं, बना दूं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ऑफ इंडिया? ऑप्शन वन बीएसएफ, ऑप्शन टू आईटीबीपी, ऑप्शन थ्री पुलिस, ऑप्शन फोर मिलिट्री। कौन सी है? और उसके बाद ऑप्शन मैंने बनाया, ओनली स्टेटमेंट नहीं, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ सिलेबस, न्यूज़पेपर में तो था ही नहीं है। हाँ, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
लेकिन आपको ये तब पता होगा ना जब आपने ये पता हो आपको कि भाई सेंट्रल फोर्सेस हमारी, सिर्फ ये जान लेना न्यूज़पेपर से कि भाई कुछ सेंट्रल फोर्सेस ने बंगाल में पता नहीं क्या किया हमें सेंट्रल, क्योंकि देखो तुम लोग बनने जा रहे हो ऑफिसर्स तो तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस है इसमें। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, एक ही इन्फॉर्मेशन पढ़ी है अभी हमने, अब तुम न्यूज़पेपर पढ़ा भी नहीं है अभी तो, है ना, अभी इसी इंफॉर्मेशन से दूसरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फोर्सेस आर एंगेज्ड इन बॉर्डर सिक्योरिटी, नंबर वन ITBP, नंबर टू SSB, नंबर थ्री कौन सा बताओ रखें NSG, नंबर फोर CRPF, ANB। सिंपल, एक इंफॉर्मेशन इसी से तीन चार और बना सकती हूँ, बना सकती हूँ नहीं बता सकती हूँ। विच ऑफ द फोर्सेज इज नॉट एंगेज इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंगेज इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, SSB, ITBP, सारे लिख लो ना ये, असम राइफल्स, BSF, ऑल ऑफ देम, कोई भी एंगेज नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी से कौन सी एंगेज है? सिंपल। अच्छा इससे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है क्या? बन सकता है क्या मेंस का क्वेश्चन? इंटरनल सिक्योरिटी हमारा मेंस का टॉपिक है ना, सपोजिडली क्वेश्चन आता है इंडिया faces numerous internal security challenges, therefore they must take help of certain central forces, do you think we must empower them more? Question बन गया। अब बात ये internal security की बात हो रही है, central forces की भी बात हो रही है। तुमने answer में लिखा central forces are very important for internal security, to face internal security challenges। दूसरे बच्चे ने लिखा, मतलब एक और सिलेक्शन जिसका होना है हमारे, उसने क्या लिखा है, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी CRPF एंड CISF आर द एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेफिनेटली देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्पावरिंग देम। किसको मार्क्स मिलने चाहिए ज्यादा? सिंपल, ठीक है आगे बढ़े। अगला हमारा टॉपिक है पहली न्यूज कवर। अभी हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों को, मेरे को आपको सिखाना है, लेकिन जब आप खुद ही एक्टिविटी करोगे तब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड, डिजिटल आई डेटर्स प्रॉक्सी अटेंडेंस मॉनिटरिंग ऐप इंट्रोड्यूस्ड एज पायलट प्रोजेक्ट इन ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय। पहली इंफॉर्मेशन है, ईस्ट जयंतिया हिल्स कहां पर है? मेघालय में है। तो अगर मेघालय कभी पढ़ा है तो हमें पता है वहां पे तीन टाइप की हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो क्या एक बार जाके मैप देख लेना चाहिए, गूगल पे जाके मैप देख ले, मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टफ पड़ता है इधर उधर करना, लेकिन तभी की तभी फोन पे सर्च किया तो हम उनकी लोकेशन भी फटाफट से याद कर सकते हो कि भाई पहले नॉर्थ टू ईस्ट, ये ना वो ईस्ट टू वेस्ट कैसे अरेंज्ड है, वो याद हो गया एक बार में, तो उसके बाद मैप का क्वेश्चन गलत होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला, अब इसमें कहानी क्या है ना मैं आपको बता देती हूँ, आप न्यूज़पेपर जाके पढ़ लेना। हुआ यूं कि जो मेघालय का ये डिस्ट्रिक्ट था वहां पे टीचर्स आते नहीं थे, और टीचर्स ने कई जैसे गवर्नमेंट टीचर्स क्यों बदनाम है कि वो अपनी जगह पे किसी प्रॉक्सी टीचर को भेज देते हैं, खुद सैलरी लेते हैं, जॉब लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी और को अपने जगह पर काम करने के लिए बहुत सस्ते से पैसे देके भेज देते हैं कि तुम जाओ और पढ़ा दो। अब अगर अच्छी क्वालिटी का टीचर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने भी नहीं आएंगे, तो वहाँ पे बच्चे धीरे धीरे कम हो गए अटेंडेंस के लिए, धीरे धीरे बच्चों ने आना कर दिया बंद, स्कूल में कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो अब गवर्नमेंट का काम क्या है, तुम्हारा एज ए ब्यूरोक्रेट काम क्या है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम डिजिटल
अटेंडेंस सिस्टम लगा देंगे, बट टीचर है ना फोटो खींच के भेजेगी क्लास से। अब टीचर को अगर क्लास से फोटो खींच के भेजनी है तो उसे क्लास जाना पड़ेगा, किसी और की फोटो भेज दी तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो गए टीचर, तो वहां पे जब ये रिपोर्टर गया उसने देखा कि अरे भाई ये तो टीचर्स कभी देखे ही नहीं, पता नहीं कौन पढ़ा रहा था अभी तक, तो ये असली टीचर है जो स्कूल के थे। तो जब टीचर्स वहां पे गए उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो बच्चे भी आने लगे। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है? अच्छा राजतंत्र, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को चलाना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड गवर्नेंस इन सिंपल टर्म्स। इजंट इट अ यूज एग्जाम्पल केस स्टडी फॉर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस। तो जहां पे गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो वहां पे आपका एक केस स्टडी लिख दो। अब आंसर क्वेश्चन आया आपका मेंस के अंदर, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कैन बी अ गेम चेंजर एंड अ मोटिवेटर और एक्सेलरेटर फॉर गुड गवर्नेंस। आपने बाकी सारी बातें लिखी, साथ में केस स्टडी लिखी, एज इट हैपेंड इन जयंतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय वेयर डिजिटल अटेंडेंस ensured the availability of teacher and solved the problem of proxy, solved the problem of proxy attendance. अंग्रेजी भी न्यूज़पेपर ही देगा, अंग्रेजी लिखना बहुत जरूरी है, गुड वर्ड्स गुड सेंटेंसेस कौन देगा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अब प्रॉक्सी थोड़े ना लिखते, हम तो लिखते वही जो झूठे लोग हैं जो आए नहीं, अब ऐसे नहीं लिख सकते ना आंसर में, तो प्रॉक्सी अटेंडेंस। ओके, कैसे लगेगा ये बताओ यार। ओके, तो हम लोग यहां पे थे। अब अगली है ये छोटी सी न्यूज, 41 किल्ड इन युगांडन स्कूल अटैक। युगांडा क्या है? क्या है युगांडा? बहुत लोगों को पता ही नहीं है, एक कंट्री है युगांडा अफ्रीका के अंदर। तो जैसे ही आपने खबर पढ़ी, अगर आपको युगांडा नहीं पता, तुरंत नेट देखो, नेट का सदुपयोग करोगे सिलेक्शन आसान हो जाएगा, दुरुपयोग करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सदुपयोग क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ते समय कीप इट हैंडी, डरो मत, खट 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 खट, लेकिन टाइम नहीं उसमें बहना नहीं है। बहना क्या होता है? युगांडा सर्च किया, युगांडा के बाद आया स्कैमर्स ऑफ युगांडा, तो मैं लगा अरे यार ये क्या चल रहा है, स्कैम क्या चल रहा है, तुम फिर वहां से आया, ये पैसे भी गए टाइम भी गया, कहीं पे क्लिक क्लिक कर दोगे दोनों गायब है ना। तो हमें वो नहीं करना, बहना नहीं है, जिस इतनी इंफॉर्मेशन के लिए आपने इंटरनेट को यूज करना है उतनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज करो, नोट्स बनाओ, काम खत्म, क्विक क्विक टारगेटेड अप्रोच। ये नहीं कि देखो वेब इस पे जो ये विकिपीडिया और ये सब पे जाने की परेशानी ये है कि आप बह जाते हो, इस लिंक से दूसरा क्लिक, दूसरे क्लिक से तीसरा क्लिक, फिर ये याद भी नहीं रहता यार ये शुरुआत कहाँ से करी थी हमने, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। वो नहीं करना, मेक अ टारगेट कि हर न्यूज को इतने सेकेंड देने हैं मुझे या इतने मिनट देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने, टारगेटेड। एक ऑफिसर को बहुत सारे काम है दुनिया में, और अगर वो टारगेटेड अप्रोच ना रखे कि ये काम हो गया खट 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 खट, तो वो तो बह जाएगा, वो तो कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा, कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएगा, वो तो एक फाइल लेगा रात तक उसी पे डिस्कशन करेगा, और 150 फाइल जो पेंडिंग है वो नहीं हो पाएंगी ना। तो टारगेटेड अप्रोच इज वेरी नेसेसरी। तो चलो हमने देखा कि युगांडा एक कंट्री है जो कि अफ्रीका के अंदर मिलती है। नेक्स्ट, ये नीचे लिखा हुआ है ना कंपाला, कंपाला क्या है? उसकी कैपिटल। तो अगर कभी हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आ जाए 3-4 अफ्रीकन कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, तो वी नाउ नो युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। कम से कम एक ऑप्शन तो हमें पता है, और उसी से हम कई बार आंसर खींच लेते हैं, है ना। तो हो गया, ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अंदर की बात हमारे काम की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़नी। कंपाला में कितने लोग मरे, क्या हुआ, ये हमारा यूपीएससी का अभी कंसर्न नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए हम अंदर पढ़ेंगे ही नहीं, अंदर की कहानी को देखेंगे ही नहीं। हम सिर्फ युगांडा देखेंगे, उसकी कैपिटल कंपाला देखेंगे, उसके बाद हम अफ्रीका का मैप खोलेंगे, हम देखेंगे कि भैया युगांडा कहाँ पड़ती है, क्या युगांडा लेक विक्टोरिया के पास पड़ती है, लेक विक्टोरिया जो है उसका कितना परसेंटेज ऑफ एरिया बनाती है,
और उस लेक विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना। अब लोग बताते हैं कि पास्ट ईयर का एनालिसिस करो और फिर पढ़ाई करो, यही है वो एनालिसिस। कभी उसने पूछा कि युगांडा के अंदर ये अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या कर रही हैं? नहीं पूछा ना, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है उसको पढ़ने की, हमें बेसिक बेसिक ओवरव्यू ज्योग्राफिकल मैपिंग उसका पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाए, सपोजिटली क्वेश्चन आ जाए, युगांडा इज अ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, युगांडा इज अ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, युगांडा इज अ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, और युगांडा लाइज एट द टिप ऑफ अफ्रीकाज लोअर मोस्ट पोर्शन। अब तुमने युगांडा न्यूज़पेपर में देखा था पर फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जाके बस एक बार, अभी मैं गूगल खोलूंगी तो फिर ये थोड़ा सा कार्यक्रम लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग अपने अपने फोन पर खोल के देख लोगे तो तुरंत मैप दिख जाएगा और आपको पता है कि वो ईस्टर्न अफ्रीकन है कि वेस्टर्न अफ्रीकन है कि कौन सी अफ्रीकन है, पता चल गया। और एक बार मैप देख लिया तो कभी भूलोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जितना हमने ये एडवर्टाइजमेंट हटाया है ना, इसलिए हटाया ताकि इनको पढ़ना ही नहीं है ज्यादा, मतलब जो काम का तुम्हारे काम का वो पढ़ सकते हो, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर ये एक खबर है कि दिल्ली के स्लम्स के अंदर कुछ आग लगी और उसके अंदर से वुमेन जो थी वो बहुत तैयार थी, है ना, वुमेन वर रेडी विद देयर स्ट्रेटजी टू टैकल फायर्स। कहाँ आग लगी हमें नहीं पढ़ना, क्यों आग लगी, क्या सब, ये सब अभी हमारे यूपीएससी के काम का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट एज अ अवेयर सिटीजन, हेडिंग पढ़ ली लेकिन उसको जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हम इसको ध्यान ज्यादा नहीं देंगे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जरा सी चीज जो काम की है हमारी ये है, अगर हम देखें यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे एक वुमेन बोल रही है, देखो अभी तुम लोगों को वर्टिकल रीडिंग नहीं आती इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम वर्टिकल रीडिंग करने लगोगे तुम्हें काम की बात एकदम तुरंत दिख जाएगी कि सिलेंडर की आग को सैंड और वेट क्लोथ से बुझाया जा सकता है। वहां की लेडीज को ये ट्रेनिंग है कि अगर स्लम्स में आग लग जाए सिलेंडर के द्वारा तो कैसे हटाया जा, कैसे बुझाया जा सकता है, सैंड एंड वेट क्लोथ्स, टू थिंग्स। पानी क्यों नहीं लिखा इसमें, डाउट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पानी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नहीं इंसान सबसे पहले आग लगती है पानी लेके भागता है, लेकिन इन्होंने तो कहा सैंड और वेट क्लोथ्स। अब क्वेश्चन बना दिया प्रीलिम्स का, सपोजिटली फायर इन इरप्टेड थ्रू सिलेंडर्स कैन बी डाउज्ड बाय वाटर, वेट क्लोथ्स, सैंड, और नीचे ऑप्शन दे दिए, वन ओनली, टू ओनली, वन टू थ्री, टू थ्री, वन थ्री, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। बस हम लोगों को अवेयरनेस कि किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, इसके बाद ये एक आया कि कुछ कुछ सीलिंग हो रही है एलजी के ऑर्डर से, जहां जहां पे कुछ कुछ बिल्डिंग्स के अंदर ड्रग पेडलिंग का काम चल रहा था, ड्रग पेडलिंग इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स फॉर बाय इलीगल मींस, तो उनको डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया है। दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज है, एकदम दिल्ली स्पेसिफिक, ज्यादा से ज्यादा इसका सिर्फ हम लोग एक नोट बना सकते हैं अपने दिमाग में कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत हो रही है, जिसको कर्ब करने के लिए एलजी या दिल्ली सरकार भी कुछ स्टेप्स ले रही है, खत्म। इससे ज्यादा हमें और ज्यादा कुछ रजिस्टर नहीं करना, कहाँ वो बिल्डिंग थी, किसकी बिल्डिंग थी, कितने बुलडोजर ले गए, नॉट इम्पॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये पढ़ना ही नहीं है, इस पर टाइम ही नहीं लगाना, टाइम, एफर्ट, एनर्जी कुछ नहीं लगाना है, नेक्स्ट, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट। अब आया स्टेट्स वाला, ये हेडिंग है, इसके अंदर आया कि भाई राजस्थान सरकार ने कुछ स्कीम्स लेकर आए थे जो कि काफी इफेक्टिव रही और कुछ स्कीम्स पे उन्हें काम करना है। नाउ इतना बड़ा आर्टिकल हम पढ़ेंगे क्या, और वो भी सिर्फ राजस्थान के लिए, हम राजस्थान पीएससी की तैयारी तो अभी कर नहीं रहे,
जो राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? हमें इसमें से क्या बात पढ़नी है सिर्फ? भैया बस ये बता दो कौन सी स्कीम तुम्हारी बढ़िया चल गई, खत्म, उससे ज्यादा। और वो किस लिए चाहिए हमें वो स्कीम? आंसर में लिखने के लिए, सिंपल। अगर हमें कभी लिखना होगा तो हमें क्या लिखना है? ऐसे देखो, ऐसे पढ़ना है सीधा, डा 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 डा, हाँ, अन्नपूर्णा स्कीम। सीधा अन्नपूर्णा स्कीम देखी, नेट पे जाके सर्च कर लो, इसमें इतना पढ़ने की जगह, सीधा आ जाएगा उसमें। और खोलना नहीं है, कोई लिंक नहीं दबाना, ऊपर जितना आ जाए ना उतना ही पढ़ना है कि अन्नपूर्णा स्कीम क्या, किस चीज के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, एजुकेशन के लिए, किसके लिए? नाम से पता चल रहा है अन्नपूर्णा किसके लिए होगी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के लिए होगी, नाम से पता चल रहा है। वैसे तो सर्च करने की भी जरूरत नहीं है इसको, ठीक है? फिर आ जाओ, डा कुछ काम गएगा, काम गएगा, काम गएगा, नहीं 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 ये कुछ है कि लाभार्थी गारंटी कार्ड कुछ बनाया है इन्होंने, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेट ओरिएंटेड लग रहा है। डा एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए? गैस सिलेंडर्स। अब प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना तुमने तीन चार बार कहीं कहीं पढ़ रखी है, जाओ सर्च करो, चार बातें पढ़ लो भैया, किसको मिलता है सिलेंडर, कितना मिलता है सिलेंडर, और क्यों मिलता है सिलेंडर, और इसके बेनिफिट्स क्या हुए, खत्म। इससे ज्यादा कभी नहीं लिखना, इससे ज्यादा कभी यूटिलाइजेशन में वो नहीं आएगा। काम की बात पढ़ेंगे तो मतलब इट्स लाइक गुड इंफॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल, गुड इंफॉर्मेशन मतलब तो काम की बात, और बैड इंफॉर्मेशन ड्राइव्स आउट गुड इंफॉर्मेशन। बेकार की बातें दिमाग में भर लेंगे तो जो सही बात है वो भी निकल जाएगी, ठीक है? उसके बाद ये सब पढ़ना कोई जरूरत नहीं है। फिर आए महाराष्ट्र टीम एग्जामिन्स राजस्थान्स हेल्थ केयर मॉडल। बस हमें ये पता करना है कि कौन सा हेल्थ केयर मॉडल है जो इतना आके महाराष्ट्र की भी टीम गई है। फ्लैगशिप हेल्थ चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, पूरा नहीं पढ़ना सिर्फ ये, राजस्थान हेल्थ केयर मॉडल ऑफ चिरंजीवी इंश्योरेंस स्कीम हैज बीन लाउडेड बाय अदर स्टेट्स ऑल्सो। एक लाइन अपने नोट्स में लिखी, कहाँ कहाँ यूज आएगी हमारी, हेल्थ के आंसर्स में, खत्म। उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं। बीजेपी सेलिब्रेटिंग वाइल मणिपुर इज बर्निंग, आप पढ़ोगे क्या? हेडिंग भी मत पढ़ो, पॉलिटिकल शक्ल से, ठीक है? शिंदे उद्धव पढ़ना ही नहीं है, एसपी सोशल अलायंस विद पढ़ना ही नहीं है, टाइम एफर्ट नहीं लगाना। केरला फेक एंटीक्विटी गेट्स टर्म फॉर पॉस्को केस, क्या है ये पॉस्को केस? चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके प्रोविजंस क्या है, कब आया था, कितने कितना समय का उसको सजा मिलती है, खत्म। किसको मिला ये आएगा क्या कभी? पॉस्को के प्रोविजन आएंगे तो पढ़ेंगे हम क्या? नहीं, सिर्फ पॉस्को के बारे में हल्का सा पढ़ेंगे, खत्म। उसके बाद कासरगोड स्कूल टीचर टोल टू प्रूव कन्नड़ प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल नहीं हाथ लगाएंगे, देखेंगे ही नहीं। टीएमसी फाइल्स हाईएस्ट देखेंगे ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, काहे को इतना टाइम लगाना है। नेक्स्ट डिजिटल आई डेटस प्रॉक्सी अटेंडेंस, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें से जितनी काम की बात थी हमने देख ली है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहां पे दिख नहीं रहा लेकिन हमारे जो साइंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब हमें देखना है कि किसी पर्टिकुलर कारण से रिजाइन किया या यूं ही रिजाइन कर दिया। हमने बहुत जल्दी जल्दी देखा, इसमें लगा कि नहीं उन्होंने पर्सनल कारण से रिजाइन किया ऑन पर्सनल ग्राउंड्स। और इन्होंने क्या काम किया था, बेसिक 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 कि इन्होंने कोविड के समय में हेल्प करी थी वैक्सीन बनाने में, लेकिन इससे ज्यादा कुछ काम, वैसे तो ये इंफॉर्मेशन भी काम की नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोस्त जो तुम्हें चाय पे मिलेंगे, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन, अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें चाय पे मिलेंगे तो वो कहेंगे अरे तुझे पता है साइंस सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया, तुम कह रहे मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मेरे को मैंने नहीं, मुझे नहीं पता। अब एक्चुअली तुमने काम की बात पढ़ी है, लेकिन ये एक दो फैक्ट्स दोस्तों के लिए पढ़ने पड़ते हैं,
ताकि तुम उनसे डिस्कशन करते समय कैसे को, हाँ, मुझे पता है पर्सनल कारण से उसने रिजाइन कर दिया, बस इसका यूटिलिटी नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर एकदम ही फोकस्ड हो तो तुरंत काट दो, मतलब अगर तुम्हें दोस्तों के अंदर तड़ी मारने की आदत नहीं है तो काट सकते हो, अगर आदत है तो पढ़ सकते हो। फिर आया कि भाई कनाडा, ये हमारा जो मिशन है यूएस और कनाडा के अंदर, वहां पे कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट ने जाके दंगे वंगे कर दिए, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एनआईए एक एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसको ये केस दे दिया कि तुम देखो जाके कि भाई कहाँ पे क्या 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 हुआ और कौन कल्प्रिट है। इसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे काम का नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या सर्च करेंगे इंटरनेट पे जाके, व्हाट इज एनआईए, क्या है, क्या करती है, किसके अंडर आती है, खत्म। क्या है, क्या करती है, किसके अंडर आती है, खत्म। तुम्हें क्यों जरूरत है एनआईए की, कल को ऑफिसर बनोगे, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कौन से केसेस एनआईए के पास जाते हैं कौन से नहीं जाते, ठीक है। रेलवे टू रिव्यू ट्रेन ऑपरेशन, इंश्योर जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी। रेलवे अभी बहुत लंबा चलेगा, रेल सेफ्टी पे हर इंस्टीट्यूट बढ़िया से नोट्स निकालेगा, पता है ना, निकालेगा ही, क्यों पढ़ेंगे हम डेली डेली उसके बारे में, काट दो, बढ़िया से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एक बार में पढ़ेंगे। मोदी प्रपोजेस, पीएम मोदी प्रपोजेस G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिखा रहा है ये, स्टैंड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स, स्टैंड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स अफ्रीका, तो पहले क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज G20, G20 की कंट्रीज, और G20 की कंट्रीज से 6-7 तो बना देंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन के, नहीं तुम ही बना दोगे, तो है ना, आप लोग बना लोगे ना। और मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा, डू यू थिंक दैट इंडिया हैज मेड इट्स स्टैंड क्लियर टू द वर्ल्ड दैट हाउ मच दे वैल्यू अफ्रीकन यूनियन बाय प्रपोजिंग द मेंबरशिप ऑफ अफ्रीकन यूनियन टू G20, कमेंट इन द रेफरेंस ऑफ G20। वैसे इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ क्वेश्चन, ज्यादातर बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब हमें पता चल गया इंडिया का स्टैंड क्या है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि G20 क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं, क्या करती है, ये क्या करती है G20, किस बारे में बात करती है। घर देखो बैठ के नाश्ते में क्या बनना है, खाने पे क्या बनना है, तो बात नहीं करते G20 में बैठ के, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड जाके हम देख लेंगे कि भैया इन 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 बातों पे बात करती है वो, सिंपल, ओके। फिर ये अफ्रीकन यूनियन क्या है, अफ्रीकन यूनियन क्या है, कितनी कंट्रीज हैं अफ्रीकन यूनियन में, क्या सारी अफ्रीका की कंट्रीज इस यूनियन में आती हैं, या कुछ ऐसी अफ्रीका की कंट्रीज हैं जो इस अफ्रीकन यूनियन का पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनेगा, जो वहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठ के आएगा। अब नीचे की पूरी बात हम लोग एक बार पढ़ लेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हो सकता है इसमें कोई रीजन या पॉइंट दिया हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज को हम एक बार जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई पॉइंट निकल सकता है। कहां पे जाके ये सिलेबस में फिट होगा, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में फिट होएगा ये जाके, ओके। नेक्स्ट, ये फिर से आ गया, देखते ही काट दोगे, रेड पेन लेके बैठो, मजा आता है ऐसे, मेरे को तो बहुत मजा आता था ऐसे पेपर काटने में, फिर मुझे लगता था बहुत कम पढ़ना है, और जब कम पढ़ना होता है तो आसानी से पढ़ा जाता है, सब काट दो एकदम, ऐसा पेपर ना एकदम रंगीन, पता चले सिर्फ चार ही चीजें पढ़नी थी यार,
इसमें मैंने आधा घंटा लगा दिया तो अगली बार से खुद ही 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। डबल बॉर्डर थ्रेट, सेल्फ रिलायंस इज अ नेसेसिटी। व्हाट इज डबल बॉर्डर थ्रेट? पाकिस्तान चाइना, भैया इधर से पाकिस्तान उधर से चाइना, दोनों दोस्त है ना, उन्होंने कहा चलो मिलके हमला करते हैं, तो हम अपनी एयरफोर्स कहाँ भेजेंगे, यहाँ या वहां? तो हमारी स्ट्रेंथ स्प्लिट हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन की भी बड़ी वो आ जाएगी। तो हम लोग एक डिफेंस स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा डबल फ्रंट वॉर या फिर डबल बॉर्डर वॉर जो थ्रेट है वो रियल है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसको पढ़ लेना है। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इससे हमें मिलेगी अंग्रेजी जो हमें लिखनी है अपने आंसर्स में। ये हमें कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का मसाला देगा ये वाला आर्टिकल, कि भाई डायरेक्ट रेडीमेड कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन कैसे। देखो पहली बात, ये और ऊपर हो सकता है क्या? चलो छोड़ो, सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज इट सेइंग? सेल्फ रिलायंस इज नॉट एन ऑप्शन बट अ नेसेसिटी एज इंडिया इज फेसिंग अ डबल थ्रेट ऑन इट्स बॉर्डर अलोंग द डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन है इंडिया की डिफेंस पॉलिसी पे, लिख लो, कुछ नहीं सोचना, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी पे कुछ भी आए सीधा यूटिलाइजेशन हो जाएगी इसकी। ओके आ रहा हो बाकी, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हमें अपना डिफेंस इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रांग करना चाहिए, डोमेस्टिक सिक्योरिटी नीड्स के साथ साथ हमें एक्सपोर्ट भी करना चाहिए डिफेंस, ताकि हमारा वो बना रहे, ये सब ठीक है, इसमें कुछ काम का नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हमने दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोले हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक तमिलनाडु, दो पुराना करंट अफेयर्स, आप यहाँ पे पहली बार पढ़ोगे तो तुरंत जाके सर्च करोगे इंडियन डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बने हैं, तुरंत पता चल जाएगा। देखो जो पहले का नहीं पढ़ा है उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब इंडियन डिफेंस कॉरिडोर इतनी बार आ चुका है पहले कि अब न्यूज़पेपर उसे एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो सीधा टर्म्स लिखेगा, सो न्यूज़पेपर विल यूज डायरेक्ट टर्म्स, इंडियन डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ यू हैव टू गो एंड सर्च बिकॉज यू हैव टू लर्न द अर्लियर करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, आप जब पढ़ोगे ना आपको बड़ी अच्छी अच्छी लाइन्स मिल जाएंगी। एम इज टू बिल्ड एन इको इकोनॉमिकली पावरफुल एंड कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट इंडिया विच इज ऑल्सो अ नेट एक्सपोर्टर, नेट डिफेंस एक्सपोर्टर। अच्छी टर्म्स मिल गई। नेट डिफेंस एक्सपोर्टर का मतलब क्या हुआ? नेट जितना हम लेते हैं डिफेंस उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर दें, तो जब हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज्यादा हो जाएगा तो हम नेट डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएंगे। नेट में हमारा आउटपुट ज्यादा हो गया, ग्रॉस और नेट में पता है? नहीं पता, इकोनॉमी में आएगा, चिंता मत करो, लेकिन बेसिक अंदाजा लग गया, अंग्रेजी मिल गई। कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कभी भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे कोई भी आंसर आए, वो भी कोई भी क्वेश्चन आए, एकदम बढ़िया सा रेडी है। उसके बाद और इसको हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाएं, यहाँ पे एक दो लाइंस और हैं, जब आप देखोगे ना यहाँ पे कि भाई हम लोग किस किस एरियाज में काम कर रहे हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन डिफेंस कॉरिडोर्स में? ड्रोन्स, ह्यूमनाइज्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स बना रहे हैं हम, यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। जो ड्रोन्स होते हैं वो क्या ऐसे उड़ते हैं, आप लोगों ने भी देखे नहीं होंगे पर शादियों में देखे होंगे, शादियों में वो आजकल कैमरे से फोटो खींचता है, वो घूमता है ना जो, वो एक बहुत ही सस्ता सा ड्रोन है, वैसे महंगे भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ड्रोन्स महंगे भी? एंड दीज ड्रोन्स कैन बी यूटिलाइज्ड आल्सो फॉर एज अ वेपन,
दे कैन बी यूज्ड एज अ वेपन. ड्रोन्स गए, हमने ड्रोन्स भेज दिए, वो लोग आदमी लड़ रहे हैं, नुकसान किसको हो भाई? हमारा तो ड्रोन है, ड्रोन को चोट थोड़े ना लगती है, एक नहीं तो 100 बना के भेज देंगे. ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेपन है. इसके अलावा ड्रोन्स का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, खैर वो साइंस एंड टेक में आएगा, लेकिन हमें पता चल गया कि हम ड्रोन्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, ठीक है. फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? नहीं पता तो सर्च, और पता है तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो पता ही है क्या होगा, सामने वाले का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब कर दो, वायरस भेज दो, बग भेज दो, है ना. वो मिसाइल छोड़ने ही वाला था, उसके मिसाइल के कंप्यूटर में ही तुमने वायरस भेज दिया, और वो मिसाइल वहां जाती वहीं पे फट गई. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर. ब्रह्मोस मिसाइल, जब आप डिफेंस वाला पोर्शन करोगे साइंस एंड टेक में तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बहुत पढ़ोगे, तो आपको पता चल गया कि वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है. बस इतना बहुत है हमारे लिए, उसके बाद हम और कुछ इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. फिर आ गया पीएम साइलेंट एज मणिपुर बर्न्स, इज स्टेट पार्ट ऑफ इंडिया आस्क. कैसा है ये न्यूज? सीधा काटेंगे. फ्रॉम वन इरप्शन टू अनदर डे एंड नाइट स्प्रेड इक्वल ड्रेड. अब समझ नहीं आ रहा किस चीज की न्यूज है हेडिंग से, है ना. तो हल्का सा देख लेंगे कि भैया कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल था मणिपुर के अंदर, वहां पे कुछ फायर. मणिपुर नाम सुना आपने, और आपको याद है कि पिछले यार 10 दिन से मणिपुर पढ़ रहे हैं, कुछ तो राइट्स चल रहे हैं वहां पे मैटीज को लेकर. क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये? एक एक न्यूज पढ़ने से समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर न्यूज में बड़ा छोटा सा पोर्शन होगा, बड़ा छोटा सा पोर्शन होगा. वो ये नहीं बता रहे हैं न्यूज में, ये बात कम आएगी कि भाई पूरी प्रॉब्लम क्या है. उसमें क्या ज्यादातर आती है बात, ये हो गया, आग लग गई, इतने लोग मर गए. हमें डेली न्यूज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एनालिसिस. तो इसको हम यहां से नहीं पढ़ेंगे. कब कहां से पढ़ेंगे इसको? मैगजीन या टोटल एनालिसिस, है ना. ऐसे जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम आपको एनालाइज करके देंगे 0 to 100, जो भी उसकी चीजें हैं वो हम आपको एनालाइज करके देंगे उसके अंदर आपको, क्योंकि एक 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 चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें. टॉपिकल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए. टॉपिकल एनालिसिस मतलब पूरे टॉपिक का निचोड़, बस वही पढ़ना है इसमें. फिर स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट म्यांमार रिफ्यूजीज टोल्ड. अभी म्यांमार रिफ्यूजीज क्या, अभी आपको नहीं पता म्यांमार किसको, उसको पता है म्यांमार से रिफ्यूजीज आए थे रोहिंग्यास, बाकी को नहीं पता. देखो म्यांमार में सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहां पे रोहिंग्यास जो थे, जो वहां की लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उनको वहां से भगा दिया गया. तो वो कहाँ आ गए? हमारा बॉर्डर शेयर होता है, वो आ गए इंडिया. इंडिया में आकर वो हमारे बॉर्डर एरियाज में सेटल हुए हैं एज रिफ्यूजीज. तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्यूजीज कौन होते हैं भाई. कोई डेफिनेशन होगी ना रिफ्यूजी की, कि भाई ये व्यक्ति रिफ्यूजी कहलाएगा और ये इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा. दोनों के बीच में अंतर है, रिफ्यूजी एंड इलीगल माइग्रेंट. तो ये तो नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, और वैसे ही नोट्स में भी आएगा, कोई चिंता की बात नहीं. फिर आया कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं, हल्का सा एकदम भगा भगा के पढ़ना है, ये सब नाम नहीं पढ़ने इसमें, इसमें बस काम की बात ये पढ़नी है कि उन्होंने बोला कि म्यांमार के जो लोग हैं, यानी कि जो ये रिफ्यूजीज हैं, इनको मणिपुर की राइट्स के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में एंगेज नहीं होना चाहिए. लॉजिकल भी बात है भाई, तुम्हारा देश दूसरा है, हमारा देश दूसरा है, तुम्हें यहाँ पे रिफ्यूजी बनाए तो तुम मिंगल थोड़े ना करोगे वो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में. सिंपल. ये भी सिर्फ किस लिए है? क्या ये क्वेश्चन बनता है क्या, किस लिए है ये? चाय पे चर्चा के लिए, है ना, क्योंकि कोई ना कोई दोस्त बोल ही देगा तुम्हारा चाय पे कि यार मुझे पता है मणिपुर में क्या हो रहा है, ये जो रोहिंग्या आए थे ना उन्होंने. अब तुमने अगर पढ़ा नहीं होगा तो तुम होगा यार क्या मतलब क्या, अब तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, दोस्तों के आगे भी बॉन्ड दिखना है, तो उस डिस्कशन के लिए ये, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा. फिर आया आदि पुरुष किक्स ऑफ पॉलिटिकल स्टॉर्म, छत्तीसगढ़ रेडी टू बैन फिल्म्स ऑन पब्लिक डिमांड. पढ़ना चाहिए क्या?
सिर्फ एक इशू आपके दिमाग में होना चाहिए कि मूवीज को बैन क्यों कर देते हैं? क्या कोई रेगुलेशन है हमारे देश में कि किसी भी मूवी को बैन कर देंगे या किसी कारण से बैन करेंगे? वो क्या कारण है? स्टेट गवर्नमेंट बैन करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बैन करेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैन करती तो छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं आती ना। तो यानी बैन तो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर सेंसर से पास हो गई है तो स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकती है क्या? किस बेसिस पे कर सकती है जब सेंसर ने पास कर दी? लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट कह रहा है नहीं आपकी मूवी तो ठीक है लेकिन हम नहीं चलवा पाएंगे। क्यों नहीं चलवा पाएंगे? हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? क्या इससे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मूवीज हो जाएगा? लेकिन ऐसा प्रोविजन रहना भी चाहिए ना कि बैन होने का, क्यों रहना चाहिए? क्या कुछ मूवीज को बैन किया जाना चाहिए? सपोजिडली कोई वल्गर मूवी रिलीज हो गई, ऐसी मूवी जो कि फैमिली में लोगों को नहीं देखनी चाहिए या बच्चों को, यंग एडल्ट्स को या यंग बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, तो क्या उसको बैन किया जा सकता है या उसको एडल्ट्स की कैटेगरी में डाला जा सकता है? जरूरी है ना, वरना कुछ भी चलाएगा मीडिया, है ना, वो नहीं करा जा सकता। तो ये जरूरी भी है लेकिन बैलेंस बनाना है। तो आपका दिमाग बस सोच रहा है, ये लिख नहीं रहा, ये नोट्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया। सपोजिडली इंटरव्यू में कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए, उस समय भी कोई बैन चल रहा हो मूवी का, आपसे बोले कि बताओ आप डीएमओ, आपके एक मूवी रिलीज हुई है जिससे आपके एरिया में दंगे भड़क सकते हैं, क्या करोगे? पूछ सकते हैं ना, वैलिड क्वेश्चन, और ऐसा हो भी सकता है, तो क्या करोगे? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है तो मेंटेन करेंगे, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो ठीक है, ओके। उसके बाद ये सब कुछ नहीं पढ़ना। टेक फॉर्म स्टैंड अगेंस्ट कैश फॉर वोट्स। कैश फॉर वोट्स क्या है? पैसे दो वोट खरीदो। लेकिन इसमें काम की बात है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है ना? नहीं। नेक्स्ट, गुजरात लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी आवर आफ्टर विप्रो जॉय। विप्रो जॉय हमने देखा था एक साइक्लोन, लेकिन हम इसको डेली डेली पढ़ेंगे क्या? लास्ट में टॉपिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिकल एनालिसिस सफिशिएंट होगा। एक बनेगा विप्रो जॉय, उसकी सारी कहानी क्यों आया, कैसे आया भैया, क्यों बनता है साइक्लोन, गुजरात ने कैसे हैंडल किया और उसने उड़ीसा कैसे हैंडल करता है, हम क्या सीख सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, पूरा एक टॉपिकल एनालिसिस, क्योंकि क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, तो इसको हम डेली डेली नहीं पढ़ेंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे। सेंटर रिव्यूज प्रिपेयर्डनेस अहेड मॉनसून इन असम। मॉनसून में असम के लिए प्रिपेरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली के लिए क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि असम में क्या आती है? फ्लड्स, है ना, असम फ्लड्स आर। अभी जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते जाओगे ना, तुम्हें ये इनसाइट बनती चली जाएगी कहाँ पे क्या क्या होता है। तो असम में क्या होता है? फ्लड्स। लेकिन उससे आगे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ये कुछ ईडी ने किसी के पैसे वैसे अटैच कर लिए, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये सब आलतू फालतू सिंपल सिंपल चीजें। फिर आया, इंडिया वुड नॉट हैव बीन पार्टीशन इफ नेताजी वॉज देयर, एनएसए। अगेन अ लिटिल पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। क्या नेताजी पे ऐसा क्वेश्चन आएगा? नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस पे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? वो तो आएगा कि उन्होंने काम क्या किया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका रोल क्या था, तो ये सब तो इस आर्टिकल में नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ी लेंगे, जितनी काम की बात है वो हिस्ट्री में ही जाएगी, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक जगह कहीं पर लिख लेंगे कि न्यूज़ में नेताजी के बारे में या फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हुई थी, तो यानी कि हिस्ट्री में जब हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं तो हम नेताजी वाला पोर्शन ध्यान से और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे। वी विल लुक एट दैट पोर्शन विद मोर डेप्थ। ओके, लेटर टू डीजीसीआई, सीक्स इमरजेंसी यूज नॉट फॉर इन्वेस्टिगेशनल
एंटीबायोटिक्स. व्हाट इज इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स क्या है? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? लेट मी सी, एनी 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 ऑनलाइन स्टूडेंट हु वॉन्ट्स टू टेल मी, कैन वी अनम्यूट देम? अलका, गुड मॉर्निंग. आपका क्वेश्चन किसके लिए है? न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं. ओके, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. आप तो इतने सारे मीन्स अवेलेबल है. आप देखो अभी न्यूज़पेपर की क्लास भी तो ले रहे हो ऑनलाइन. ओके ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू न्यूज़पेपर इफ, एंड म्यूट कर दी, इफ एनीथिंग रिलेटेड टू न्यूज़पेपर इफ एनीबडी हैज देन वी कैन आस्क, मतलब दे कैन आस्क. आर वी गेटिंग हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स? नोट्स है नहीं अभी तक, तो हमने नोट्स बनाए नहीं, कुछ भी नोट्स बनाए क्या? नहीं, वो जो चीजें तीन चार बताई है वो कैसे बनाएंगे वो भी अभी मैं बताऊंगी, कहाँ पे बनाएंगे ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, कौन पूछना चाहते हैं? हाँ प्लीज नुसरत. नुसरत प्लीज आस्क. सईद, गुड आफ्टरनून. ओके, I'll tell you, don't worry. Abhi, you know, just wait for a while. Once we cover this newspaper, then I will tell you how are the various ways in which you can make your notes from newspapers. There are 2-3 ways. One is for the tech-savvy people. One is for the traditional copy pencil people. And everybody has a different style of studying. So whatever is your style, I'll tell you few areas where you can, how you can make notes. And so let me complete that. Lakshminkant is just a starting point. You cannot write notes through it. It's a very basic starting foundational in the sense, that's the basic that you have to read. And if you have to write good answers, you have to build over Lakshminkant. There have to be many layers. And definitely Lakshminkant is the basic book that you have to cover, but you cannot, it's not the complete thing. One of the source will be newspaper. It will also come from other sources. Absolutely, absolutely. Okay. So let us continue. So what are investigational antibiotics? Antibiotics are medicines for bacterial infections. Infection ho jata hai to doctor antibiotic de deta hai. Theek hai. Antibiotic, khair antibiotic bahut bada ek topic hai. Hamare jab hum science padhenge na, तो उसमें एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा कि एंटीबायोटिक क्या कभी भी ले लेने चाहिए?
क्यों नहीं लेनी चाहिए? साइड इफेक्ट होता है और अच्छा, कभी ऐसे सुना है डॉक्टर से कि इसका कोर्स पूरा करना है? सुना है कि एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में नहीं छोड़ना? क्यों नहीं छोड़ना बीच में? इफ यू टेक एंटीबायोटिक एंड इफ यू डू नॉट कंप्लीट कोर्स, द बैक्टीरिया डेवलप्स अ रेजिस्टेंस। तो यानी कि आप एंटीबायोटिक खाओगे तब भी इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेट कर जाता है और रेजिस्टेंस को एक्वायर कर लेता है। वो कहानी सुनी है, एनीथिंग विच डजंट किल मी मेक मी स्ट्रॉन्गर, क्या कहा? इसका मतलब क्या है? अब दो लोगों में फाइट हो रही है, समझो। तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, तुम लोग लाइव एग्जांपल से समझते हो। जैसे दो लड़के हैं, सुरेश और महेश, ठीक है, जानी दुश्मन। और एक दिन उनकी लड़ाई हुई, तो सुरेश और महेश के बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि सुरेश ने महेश को मारा, है ना, मारा इन द सेंस उसे थप्पड़ वप्पड़ मारे, उसे चोट मार दी। लेकिन अब क्या महेश चुप रहेगा? वो क्या करेगा? बदला लेगा। तो यानी कि वो, उसे चोट लगी लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, वो रिवर्ट बैक किया। उसी तरह से अगर हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शंस आर लाइक दुश्मन बैक्टीरियाज, दुश्मन। हमने उनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स दी लेकिन हमने पूरी नहीं दी, तो क्या हुआ? सम ऑफ द बैक्टीरियाज रिमेन देयर एंड नाउ दे बिकम स्ट्रॉन्गर, दे डेवलप सर्टेन टैक्टिक्स टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। और हमारे कैसे वाले बैक्टीरिया जन्म हो गए? ड्रग रेजिस्टेंट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब अगर ऐसे वाले बैक्टीरिया सोसाइटी में घूम रहे हैं जिन पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो ये खतरे की बात है। किसी को इन्फेक्शन हुआ, वो एंटीबायोटिक खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, इफेक्ट ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जुडिशियसली एंटीबायोटिक्स को यूज करें। तो और अभी क्या हो गया है हमारे इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक के यूज से? कितने लोग डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक लेते हैं? कितने लोग गला खराब होने पे खुद ही दवाई ले आते हैं? कितने लोग केमिस्ट से ही ले आते हैं? और कितने लोग 30 रुपए की पुड़िया ले आते हैं? अब क्या है, एंटीबायोटिक देनी सबको आती है ना, ये तो हमें भी पता है। ऑगमेंटिन और कोर्स पूरा किया नहीं, तो अब हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन घूम रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते। दे रिक्वायर सर्टेन अदर ड्रग्स, सर्टेन मोर एडवांस्ड ड्रग्स, एंड सम ऑफ दीज ड्रग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड दे आर स्टिल एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। स्टिल कैसा है उनका? दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, दे आर स्टिल बींग रिसर्च्ड अपॉन, बट इसीलिए उनको वाइड स्प्रेड यूज तो कर नहीं सकते। जो चीज रिसर्च के अंदर है उसको तो सब पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सपोजिटली अगर एक आदमी है, उसको इन्फेक्शन हो गया जो किसी भी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर अगर एक्सपेरिमेंटल ड्रग यूज कर भी लाए, वैसे भी मरना था। अगर एक्सपेरिमेंटल ड्रग से बच गया तो बच गया। तो अब डॉक्टर्स इन इन्वेस्टिगेशनल एंटीबायोटिक्स की वो मांग रहे हैं सरकार से कि भाई हमें यूज करने की परमिशन दे दो इन एक्सट्रीम केसेस, नहीं तो जिनको ऐसे वाले इन्फेक्शन हो जाते हैं वो लोग मर जाते हैं बिकॉज दे डोंट गेट दीज एंटीबायोटिक्स। तो दिस इज द होल स्टोरी। अब कहानी समझ में आ गई, तो इससे हम लोग बस कहानी समझेंगे और कुछ प्रॉपर टॉपिक, और इससे जो क्वेश्चन निकलेंगे, जिसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं कि रेड लाइन लगी होती है एंटीबायोटिक्स में, रेड लाइन लगी होती है, रेड लाइन कैंपेन, बहुत सारी नाम है इसके, वो हम पढ़ेंगे, वो जब साइंस एंड टेक आएगा तब उसमें आएगा। फ्रॉडस्टर्स, शटर, कैनेडियन ड्रीम ऑफ पंजाब, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरल अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस कैसे?
कि फ्रॉडस्टर्स कैसे काम करते हैं। वो यहाँ पे नकली जाली कागज बना के यूथ को बुला लेते हैं, फिर कनाडा के अंदर उनको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कर देते हैं एडमिट, और बाद में जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो डिपोर्ट कर देती है। कनाडा की गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने कहा अरे ये तो नकली जाली कागज से आए हुए हैं, पर इसमें बच्चों की गलती है क्या? देन डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, क्यों चाहिए और क्या होना चाहिए, पूरी कहानी। ठीक है, ओके, देख रहे हो एक न्यूज़पेपर के अंदर कितना कितनी इंफॉर्मेशन आती है। शुरुआत में अगर पूरा दिन भी लग जाए, पूरा दिन मतलब कम से कम 6-7 घंटे, तब भी कम लगेंगे शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में चीजें नहीं पता है। लेकिन एक बार अब डेटा ब्रीच पता चल गया, कोविन पता चल गया, तो कल आएगा तो फिर दोबारा दोबारा पढ़ोगे क्या? फिर वही वही टॉपिक्स पढ़ेंगे हम जो इंपॉर्टेंट होंगे, फिर खत्म, बार बार नहीं पढ़ेंगे। टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट डिक्लाइन, बस पता होना चाहिए कि भाई कपड़ों का जो एक्सपोर्ट है हमारा कम हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, ये कोई प्राइवेट कंपनी है कुछ नहीं, इंडियन ऑटो कंज्यूमर कीन और इनोवेटिव। इनके बाद प्रॉपर्टी डीलर्स के पता नहीं क्या बोल रहे हैं, स्किल बढ़ाओ, जापान टू ओपन, बेकार बेकार, ये सब तो पढ़ना ही नहीं है, है ना? तो इस पेज में कितना पढ़ना था हमें? 4-5 लाइनें, ये मतलब चलो ये आर्टिकल मान लो और ये लाइन एक, खत्म। फिर आया, देखो जिसको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो करो, वरना सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाए, भाई इंडिया वर्ल्ड कप ही जीत गया, है ना, इंडिया का कोई वर्ल्ड चैंपियन बन गया कोई स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, तब हम उस बात को पढ़ेंगे, नहीं तो इनसे क्वेश्चंस बनता नहीं है, तो हम इनको छोड़ देंगे। फिर आया सेक्रेड स्पेसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स वाला जो हमारे क्वेश्चंस है वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताऊं, क्वेश्चन कैसे बनेगा मेंस में अगर बनेगा तो? ट्राइबल्स हैव अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद नेचर एंड दिस हैज बीन फिट फॉर द एग्जांपल ऑफ सेक्रेड ग्रूव, एक्सप्लेन। तो कहीं ना कहीं सेक्रेड ग्रूव आ गया, उसको एक्सप्लेन करना है। प्रिलिम्स में कैसे क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर फ्रॉम तमिलनाडु, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और उन नामों को जब हम याद कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। कुछ कॉनिकल स्ट्रक्चर्स के भी नाम हैं, इनको नाम इसके अंदर से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कहीं पे लिखे हुए हैं, टोडाज एंड पोटाज, दिख रहे हैं, टोडाज एंड पोटाज, और भी 3-4 नाम है यहाँ पर, जब आप पढ़ोगे इस आर्टिकल को तो आपको वो नाम मिल जाएंगे। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं वहां पे बहुत सारे नाम याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे, कौन सी ट्राइब्स किस स्टेट की हैं, कौन सी ट्राइब्स कहाँ मिलेंगी, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाउंड इन तमिलनाडु, 1, 2, 3, 4, उसमें 3-4 छत्तीसगढ़ की डाल देंगे तो लगेंगे एक जैसी, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप मार्क कर लोगे। या फिर ऐसा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर टोडाज आर फाउंड इन, नंबर 1 छत्तीसगढ़, कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर। अब टोडाज कहाँ मिलते हैं तो पता होगा, तभी मार्क कर पाओगे। तो देयर इज अ लिटिल एलिमेंट ऑफ लर्निंग ऑल्सो। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये न्यूज़पेपर खत्म, फिनिश। ठीक है, शुरुआत में लगेगा बहुत टाइम, लेकिन उस टाइम को यू कैन यूज, ना, बिकॉज नॉलेज ऑफ एनीथिंग डजंट बिल्ड इन अ डे, एक दिन में नॉलेज, इट टेक्स टाइम, लेयर आफ्टर लेयर, स्लोली एंड स्टेडली यू विल हैव टू कीप लर्निंग, कीप नोइंग, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू विल हैव दैट इनसाइट व्हेन यू विल सी द न्यूज़पेपर एंड नो ए अच्छा यही न्यूज होगी, इसमें ये हुआ होगा, उस तरीके से। जैसे घर वालों को जान जाते हैं तो पता होता है ना कि वो ऐसा ही करेगा,
हम उस तरीके से न्यूज़पेपर को जान जाएंगे।